नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। बिहार का कैमूर जिला अपने गौरवशाली अतीत और विरासतों को अपने में समेटे हुए है। जब कैमूर की पहाड़ियों में हम अपनी निगाहें दौड़ाते हैं तो पहाड़ियों के ये हिस्से जीवंत जान पड़ते हैं। जब हम कैमूर के पहाड़ी श्रृंखलाओं, यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, झरने और प्रकृति के संगम को देखते हैं तो मन जैसे रोमांचित हो उठता है। अगर आप बिहार में घूमने को लेकर प्लान बना रहे हैं तो जल्दी से कैमूर को भी अपने लिस्ट में शामिल कर लें। यकीन मानिए, बिहार में स्थित यह जगह आपको स्वर्ग की अनुभूति करवाएगा। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पटना से कैमूर कैसे जा सकते हैं और वहाँ पर कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर अपने आप को प्रकृति के काफ़ी करीब होने का एहसास करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार की राजधानी पटना से कैमूर हम निजी वाहन, बाइक या बस से कैसे जा सकते हैं। यदि आप अपने निजी वाहन या बाइक से जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको राष्ट्रीय राजमार्ग 2 मोहनिया टाउन के माध्यम से जाना होगा। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग 30 मोहनिया से निकलकर आरा के साथ राजधानी पटना से जुड़ती है। रामगढ़ के होते हुए मोहनिया दक्षिण में रामगढ़ बक्सर से जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ दक्षिण में भभुआ के साथ है, जो कि भभुआ से मोहनिया को राजमार्ग 14 से जोड़ता है। पटना से कैमूर की दूरी लगभग 192 किलोमीटर है। बता दें कि इस दूरी को तय करने में लगभग 5 घंटे का समय लग जाता है। यदि आप ये सफ़र बस से तय करना चाहते हैं तो कई ऐसी बसें हैं जो पटना से भभुआ या कैमूर के लिए जाती हैं। इन बसों में AC, स्लीपर और लोकल हर तरह की बसें आपको मिल जाएंगी। बस, निजी गाड़ी और बाइक से पटना से कैमूर कैसे जाएं, इसकी जानकारी तो हमने बता दी। अब हम आपको इसी चर्चा के बीच में रेलवे रूट की जानकारी देंगे। तो चलिए, अब हम जानते हैं पटना जंक्शन से कैमूर के लिए कौन कौन सी ट्रेन किस समय चलती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भभुआ इंटरसिटी एक्सप्रेस 13249 की। यह ट्रेन सुबह 5:25 पर है, जो कि आपको सुबह 10 बजे तक भभुआ रोड स्टेशन तक पहुंचाएगी। उसके बाद 13243 भभुआ रोड इंटरसिटी एक्सप्रेस शाम में 5:45 पर है, जो कि भभुआ रोड रेलवे स्टेशन पर आपको 11:45 में पहुंचा देगी। फिर पटना जंक्शन से बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस रात के समय 11:50 पर है और भभुआ रोड स्टेशन पर यह 4:19 पर पहुंचाती है। कैमूर तक कैसे पहुंचे, इसके बारे में तो हमने काफी कुछ जान लिया, पर अब चलते हैं कैमूर की प्राकृतिक खूबसूरती का दीदार करने। यहाँ की खूबसूरत पहाड़ी श्रृंखला की खूबसूरती मानो दिल को छू गई हो। इसकी पहाड़ी श्रृंखला लगभग 483 किलोमीटर में फैली विंध्य रेंज मध्य प्रदेश से होते हुए बिहार के कैमूर जिले तक आकर खत्म होती है। मालूम हो कि यह जिला बिहार के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक है। यह क्षेत्र पूरी तरह से प्रकृति के गोद में समाई हुई है। कैमूर में हम सबसे पहले बात करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, जिसमें हम आपको बताएंगे कैमूर वन्य जीव अभयारण्य के बारे में। यह राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य है, जो कि भभुआ के निकट स्थित है। यह अभयारण्य 1342 किलोमीटर में फैला हुआ है, जहाँ कुछ झरने और झील भी मौजूद हैं। यह अभयारण्य 70 प्रजातियों के पक्षियों के साथ साथ सांभर, हिरण, तेंदुआ, बाघ, चौसिंगा, चीतल जैसे कई जानवरों का निवास स्थान भी है। इसके अलावा करकट झरना बेस्ट पिकनिक स्पॉट में से एक है, जो कि कैमूर की पहाड़ियों के बीचों बीच स्थित है। करकट झरना के अलावा तिलहार झरना भी पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित करता है, जो कि दुर्गावती नदी के किनारे स्थित है। यदि हम ऐतिहासिक स्थलों में कैमूर को देखें तो बख्तियार खां का मकबरा भी लोगों को खूब पसंद आता है। यह मकबरा कैमूर जिले के चैनपुर प्रखंड के कोहरा नदी के किनारे बना हुआ है। कैमूर में प्राकृतिक और ऐतिहासिक स्थलों के अलावा धार्मिक स्थल भी मौजूद है। यहाँ का सूर्य मंदिर मुख्य धार्मिक स्थलों में से एक है। यह मंदिर कैमूर जिले के रामगढ़ में गोरखर पोखर के बीच में मौजूद है। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।